नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेगूसराय और मैं केशव। आज पहुंचा हूं प्रखंड मुख्यालय चिड़िया बरियारपुर में, और यहां जो है चिड़िया बरियारपुर के जनता से भी राय लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम जानते हैं कि जनता की क्या राय है, क्या मूड है, कि इस बार कैसा परिवर्तन देखना चाहती है और कितना विकास हो पाया है यहाँ पे। चूंकि ये प्रखंड, ये जो देख रहे हैं ये चिड़िया प्रखंड है, ये ब्लॉक है, यहाँ पे कितना विकास हुआ है या इस जनता का कितना विकास हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ कुछ जनता है, ग्रामीण है, उनसे हम जानते हैं। आइए, सबसे पहले आपका नाम? दिनेश कुमार। कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र? ये तो देखिए रहे हैं, बरियारपुर में कुछ विकास नहीं हुआ। 10 नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि आपके जो विधायक हैं वो तो मंत्री भी रहे हैं। हाँ, तो चुनावी वक्त आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। ऐसे नहीं आते नहीं। क्या इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जी, कैसा परिवर्तन? परिवर्तन होगा बिहार का, जनता करेंगे। किन इस बार विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं? विधायक के रूप में अनिल चौधरी जी को। अनिल चौधरी जी? अनिल चौधरी जी तो खुद खड़ा नहीं हुए, उनकी हाँ। जो पुत्र वधु खड़ा हुआ, राखी देवी को देना चाहते हैं। अच्छा, क्या उनका कुछ? हाँ, उनका बरियारपुर में किया हुआ विकास है पहले से। उनका पहले से अनिल चौधरी के द्वारा किया गया? जी। मंजू वर्मा के द्वारा 15 साल में नहीं किया गया? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बरियारपुर में नहीं किया। आप इस बार किनको देखना चाहते हैं? इस बार तो हम युवा जो प्रत्याशी होगा उसको देखना चाहते हैं। तो मतलब आपके जो विधायक है वो मंत्री भी रहे 15 साल, तो कुछ विकास नहीं किए? मंत्री रहते हुए नाम बदनाम कर दिए, तो मंत्री रहे क्या? क्या विकास कुछ नहीं किए? विकास तो चेड़िया बरियारपुर ये विधानसभा है, चेड़िया बरियारपुर विधानसभा, और चेड़िया बरियारपुर पंचायत के नाम से विधानसभा है, और उसके बाद चेड़िया बरियारपुर में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। उनका एक भी काम यहाँ पर पंचायत में नहीं हुआ है। पहले पिछले चुनाव में आए थे तो बोले थे कि इस बार नहीं, हम दिए हैं पुल, तो अगले बार जो है हम पुल दे देंगे। जब पुल का जब पास हुआ, चेड़िया घाट का पुल, वो उस पुआ पुल एक नंबर पर था, एक नंबर पर विधानसभा में लिखा हुआ था कि यह इस विधानसभा में एक नंबर पर ये पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उन्होंने पुल का निर्माण नहीं किया। और ये पुल जो 3 नंबर में था विक्रमपुर, वहाँ पर जाकर उन्होंने रख दिया, जहाँ से किसी प्रकार का आवागमन नहीं हो सकता है, ना किसी प्रकार का विकास हो सकता है। क्या उनसे पूछा नहीं गया कि? पूछा गया है, पूछा गया, तो कहा कि नहीं, उधर उधर वाला ही पास हुआ है, तो उधर वाला पास हुआ है। इसीलिए आप लोग जो है इस बार परिवर्तन नहीं देंगे हम लोग? नहीं दीजिए ना, यहाँ से पुल क्यों ले गए उठाकर? एक पुल के कारण ही आप? हाँ, इसीलिए। अच्छा, अगर राखी देवी के देंगे, राखी देवी मेरा फेमस आदमी है। अच्छा, अगर पुल वो बनवा देते तो क्या वोट? हाँ, देते हाँ, तब तो उझल कर देते वोट। अगर अभी जो है, अभी जनसंपर्क अभियान चल रहा है विभिन्न जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा, अगर वो आते हैं कहते हैं कि नहीं एक बार गलती हो गया, हम पुल बना देंगे, अब नहीं होगा दोबारा, अब दोबारा नहीं होगा? गलती तो मतलब गलती तो बार बार वो मतलब एक बार जब विधायक वो बन चुके, उसके बाद बिहार सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, बिहार सरकार ने जब उसे मंत्री बनाया, समाज कल्याण मंत्री के नाम पर उन्होंने इस मंत्री पद की गरिमा को ऐसा यहाँ उछाला गया, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा इसका अति किया गया, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर इनके पति द्वारा जो घिनौना कार्य किया गया उसके इसके नाम पर चेड़िया में, उसमें तो उनके द्वारा बयान दिया गया कि हम जो है निर्दोष हैं, ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। चोर का भी कहता है कि हम चोरी किए, क्या निर्दोष नहीं है? नहीं, वो तो घटिया पापी है, उनको ऐसा पापी कोई नहीं है धरती पर, वो जो घटिया किया ना उसके पापी वैसा कोई नहीं है। तो हाँ। इस चुनाव में उनका परिणाम देखने के लिए उनको मिलेगा? हाँ, अभी ही यहाँ उतराल है सब बंगला छाप। अच्छा बाबा, इस बार आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? किसको जो अच्छा काम करेगा उसको देखा जाएगा। आपके क्षेत्र में जो है 15 साल जो विधायक रहे वो काम नहीं अच्छा किए? कोई भी नहीं किया अच्छा काम में, कोई नहीं किया। तो इस बार किसको, चूंकि चुनाव तो होने वाला है? रामतेल साहब जीतेगा। लालटेन साहब? हाँ, एकदम। उनके द्वारा कुछ विकास किया गया है? उसको द्वारा बहुत विकास हुआ है। क्या विकास, क्या क्या? जितना गरीबी था सबको भलाई के लिए सब कुछ किया है। तो इस बार पूरा एकदम लालटेन छाप? हाँ, एकदम लालटेन छाप देना है। आप किसको देखना चाहते हैं? जो भी है ना बोले, सही बोले।
लालटेन छाप हो या चाहे बंगला छाप, इतना सब कुछ दोनों के हालत खराब कर दिया जाके। चला आलू 40-50 रुपए किलो आलू चले हो गया, गोभी हो गया जाके 60 रुपए किलो। अच्छा, अभी प्याज 80 रुपए के जी, इसीलिए 40 रुपए हो गया। बाहर रहते ना तो भी 5 रुपए रहता, रहबे करता था। हाँ, लालू जेल चल गए इसीलिए। क्या तो मतलब लालू जी अगर बाहर आएंगे तो वो सस्ता हो जाएगा? वो सब कुछ सस्ता होगा एकदम, सुलेना एकदम गारंटी है। काहे लगे थे लालू जी जेल, काहे गए? अब झूठ फूट से कोई बदनाम फंसाया गया और क्या होगा? कौन फंसा? फंसाने वाला नेता सब फंसाता, और कौन फंसाएगा? न्याय प्रणाली में आपको विश्वास नहीं है? भारत के न्याय मतलब जज भी बिका होगा। तो इस बार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा किनको दिखेगा? बीजेपी से किसी को? बीजेपी से तो चूंकि एनडीए की सरकार है ना, गठबंधन एनडीए की सरकार सही है। हम लोग का अपना पर्सनल च्वाइस बता रहे हैं ना जी, बीजेपी का हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री है। नहीं अभी तो ऑप्शन मेन है कि एनडीए सरकार है उसमें से नीतीश कुमार से कोई मेरे जज करने लायक नहीं। मतलब कि नीतीश कुमार से अलग हो के अगर बीजेपी बनाती है तो जी, पर्सनल बीजेपी की कोई? बीजेपी के केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी। अच्छा, यहाँ से किनको देखना चाहते हैं? राखी देवी आपका, यहाँ से राखी देवी बंगला से। तो यहाँ की जनता जो है, यहाँ पे जो है मूड बना चुकी है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और जो यहाँ पे है उनसे भी जानते हैं कि क्या कैसे है। आप किनको विधायक के रूप में देखते? सुदर्शन सिंह। हाँ, उनका मेन है जो क्षेत्र में हारने के बाद भी ना काम कर रहे हैं, पाँच साल से वो हारने के बाद भी। अच्छा। और प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, सुदर्शन सिंह जो आप बताए वो किस पार्टी से? वो अथी राला पास है, रालो से पास। तो उनके द्वारा अभी जैसे अगले बार निर्दलीय आए थे, अगले बार निर्दलीय उनका क्षेत्र में काम के वजह से इस बार न क्या क्या काम किया? मतलब कभी भी ढूंढा जाता है तो आ जाते हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए। हाँ, जमीन से। तो इस बार वो विधायक के रूप में उन्हीं को देखना है। हाँ। अच्छा, आप किसको इस बार, आप तो युवा हैं तो आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम लोग पबरा जो खड़ा है उन्हीं को हम देखने के चाहते हैं। पबरा से जो खड़ा हुए हैं, पबरा से तो राखी देवी से। हाँ, राखी देवी उन्हीं को देखना चाहते हैं। क्या? तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ की जनता जो है पूर्ण परिवर्तन का जो है मूड बना ली है, और ये जो है बदलाव चाहते हैं यहाँ से लेके और पूरे मुख्यमंत्री तक के चेहरे में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इनके लायक काम नहीं कर पाए, इसलिए चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। और यही जनता यहाँ की देखना चाहती है कि बदलाव हो और कुछ विकास करे। तो आप लोग बने रहिए द बेगूसराय के साथ। धन्यवाद।